स्वागत है आपका मेरे चैनल तृप्तिज वर्ल्ड में। आज एक बार फिर से मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यमी और हेल्दी मैक्सिकन सैलेड रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बनाने में भी इजी है और खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, प्रोटीन से भरपूर है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं इसमें सारी। तो देर न करते हुए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी ड्रेसिंग, ड्रेसिंग बनाऊँगी। उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच लेमन जूस और 1 चम्मच लिया है मैंने एप्पल साइडर विनेगर और चॉप धनिया लिया है, थोड़ा सा मैंने ओरिगैनो पाउडर लिया है और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग स्टार्ट करती हूँ बनाना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस ग्लास में 2 चम्मच ऑलिव ऑयल मैंने डाल लिया है, 1 चम्मच मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है, 1 चम्मच लेमन जूस जो कि फ्रेश लेमन जूस है, थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिला लिया है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें हम, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रेड चिली फ्लेक्स से और ओरिगैनो से, थोड़ा सा ओरिगैनो मैंने इसमें मिला लिया है। और ये हमारा ड्रेसिंग, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर, तारी ड्रेसिंग रेडी हो गई है। अभी हम तैयारी करते हैं सैलेड की। तो सैलेड के लिए मैंने थोड़े से किडनी बीन्स यानी राजमा, जिसको हम राजमा भी बोलते हैं, तो ये लिया है, प्रोटीन से भरपूर है, जो कि आप इसकी जगह आप राजमा भी ले, सॉरी चिकपी यानी जिसको हम छोले बोलते हैं, चने बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। तो आज मैंने ये है यहाँ पे किडनी बीन्स यानी राजमा, तो इसको मैंने मिला लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है चॉप्ड ऑनियन, थोड़ा सा कटा टमाटर, येलो पेपर और रेड पेपर, ग्रीन कैप्सिकम यानी ग्रीन पेपर, और इसको मैंने बहुत ही चटपटा सा खट्टा सा टेस्ट देने के लिए लिया है ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेटस और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है गाजर, तो और कुकुम्बर, तो ये सब तो वेजिटेबल्स हो गई हमारी, इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपनी जो हमने ये ड्रेसिंग बनाई है उसको हम मिक्स कर देंगे। तो ये हो गई हमारी सैलेड तैयार। थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसमें नमक डाल दिया है, अब इसको मैंने अच्छे से मिला लेना है और हमारी मैक्सिकन सैलेड तैयार है, प्रोटीन से भरपूर, हेल्दी, टेस्टी, और इसको आप डिनर में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं। डिनर में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत हेल्दी रहती है और बहुत लाइट भी रहती है। तो ये आपकी रेसिपी तैयार है, आप इसको सर्व कीजिए, खाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है बनाना। तो देखिए ये हमारी सैलेड यानी हेल्दी टेस्टी रेसिपी सैलेड की तैयार है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और सारी सब्जियाँ इसमें आ गई हैं, आप बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे छोटी छोटी भूख के लिए बच्चों के 4 बजे आप उनको बहुत भूख लगती है तो आप उनको दे सकते हैं, आप बाहर से कहीं से आए हैं तो आप डिनर में ले सकते हैं, तो बहुत ही लाइट भी रहती है और बहुत ही हेल्दी भी रहती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल दिया है, तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, आप इसको एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।